हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज का टॉपिक है हमारा डॉकर फाइल। ठीक है, तो डॉकर फाइल क्रिएट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि डॉकर फाइल होता क्या है। डॉकर फाइल बेसिकली जो हम इमेज हम लोग पुल करते हैं, आपने अब तक देखा होगा कि हमने इमेज को पुल किया कहाँ से, डॉकर हब के थ्रू। ठीक है, पुल करते हैं, पुश भी हम कर सकते हैं। हम वहां पे पुश नहीं करते हैं, बेसिकली हम अपने रिपोजिटरीज वगैरह पे पुश करते हैं। और ये डॉकर फाइल जो होती है वो कहाँ रखी जाती है रियल टाइम में, ये रियल टाइम में होती है गिटहब वगैरह के अंदर। ठीक है, आपके रिपोजिटरीज के अंदर होगी ये डॉकर फाइल। डॉकर फाइल होता क्या है? जब हम लोग कोई इमेज पुश करते हैं, पुल करते हैं डॉकर हब के थ्रू, सपोज हमने उबंटू पुश करी, तो उबंटू एक वो लिमिटेड होती है, मतलब एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही वो होती है। ठीक है, बट डॉकर फाइल के अंदर हम अपने अकॉर्डिंग चीजों को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, आप समझ लो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पूरे हम डॉकर फाइल के अंदर देंगे। ठीक है, कि पहले क्या होना है, देन क्या होना है, देन क्या होना है। हम एक बड़ी सी डॉकर फाइल लिखेंगे आज। छोटी बड़ी डॉकर फाइल्स आपने बहुत लोगों ने लिख के दिखा दी होंगी। हम एक बड़ी डॉकर फाइल लिखेंगे एंड सीखेंगे चीजों को, कैसे उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, कैसे वो रन करती है। तो सिंपल भाषा में आप समझो कि हम क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन को कंटेनराइज कर देंगे। ठीक है, और इसको जब हम लोग एक प्रोजेक्ट करेंगे ना, बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग आगे जा करके। ठीक है, तो वहां पे आपको ये सारी की सारी चीजें एक वेल मैनर्ड, मतलब एक वेल तरीके से दिखेंगे आपको, एक बहुत ही बढ़िया तरीके से वो चीज आपको मेंशन होंगी। ठीक है, फिलहाल अपन चलते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक डॉकर फाइल। उसके लिए मैं एक पहले बना लूंगा डायरेक्टरी, जिसका नाम मैं देने वाला हूँ डॉकर फाइल्स। ठीक है, साथ में दे देता हूँ डॉकर फाइल्स। ठीक है, और हम चलेंगे इसी के अंदर, और यहाँ अब मैं जो भी काम करूंगा, हम जो भी काम करेंगे हम इसके अंदर करेंगे। ठीक है, एक और फोल्डर बनाता हूँ, MKDIR फाइल्स नाम का फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, और एक बनाता हूँ एड फोल्डर नाम का फोल्डर। दो फोल्डर सपोज मैंने बना लिया। ठीक, अब मुझे अपनी कमांड रन करनी है, दिस कमांड। अब ये फाइल्स फोल्डर के अंदर, ठीक है, ये मेरी रन फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ आने के बाद मैं सिंपली करूंगा इस पर एंटर। ठीक है, अब ये फाइल्स मेरी क्रिएट हो गई हैं। अब मैं बनाता हूँ टच एड फाइल डॉट txt नाम की मैंने फाइल बना दी। ठीक है, तो मेरी एक ये भी फाइल बन गई है। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हो। अगर मैं ls करूंगा तो आपको दिखेंगे यहाँ पे, एक ये मेरी फाइल बन गई जो मैंने बनाई थी, एक ही मेरा फोल्डर है एड फोल्डर, और एक ये फाइल्स नाम का फोल्डर है। ठीक है, अगर मैं आपको ls-lrth, ठीक है, और यहां आपको दिखाऊं फाइल्स के अंदर, आपको दिखेगा क्या, ये 10 की 10 फाइलें जो मैंने क्रिएट की है वो सब इसके अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, यहां मैं कर दूंगा इसे क्लियर, और मैं यहां से एक अपाचे की tar.gz फाइल लेकर के आऊंगा। उसका लिंक आप लोगों को ऑलरेडी जो हमने वीडियो बनाया था अपाचे वाला, उसमें आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग ला सकते हो। या मैं इसको देखूंगा, अगर हुआ तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने लिखा, एंड इसको मैं साथ में यूज, आपको ये करना है no-no-check-certificate, ये आप साथ में ऐड कर देना इसके साथ। ठीक है, इतना आपको करना है, एंड सिंपली कर दोगे आप एंटर तो ये पुल कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पे ना आपको, अगर आप ये नहीं ऐड करोगे तो आपको एक एरर भी आएगा। ठीक है, कि नो चेक सर्टिफिकेट आपको दिखा रहा है, तो आप इसको लगा देना, तो वो उसको ओवरकम कर देगा उस चीज को। ठीक है, कंट्रोल एल से हमने स्क्रीन कर दिया क्लियर। ठीक है, अब मैं अगर आपको दिखाऊं ls-lrth, तो हमारे पास क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं, एक ये फाइल पड़ी हुई है, दो फोल्डर है, एंड एक ये tar.gz फाइल है। ठीक है, यानी जिप्ड फाइल है हमारे पास अपाचे टॉमकैट की। ठीक है, इसको हम अनजिप भी करेंगे, बट उससे पहले मैं क्या करूंगा, एक बनाऊंगा डॉकर फाइल। तो अभी बात आ गई है किसकी, डॉकर फाइल की, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। और डॉकर फाइल आप याद रखना, आपको ना, अगर आप चाहते हो कि आपको बाय डिफॉल्टली आपका जो आपकी जो कोड है वो समझ जाए डॉकर फाइल को कहाँ है, क्या कैसी है, तो आपको इस तरीके से यूज करें डॉकर फाइल जैसा लिखा है मैंने। ठीक है, डी कैपिटल होगा, राइट, और डॉकर फाइल लिखा होगा प्रॉपर। हाँ, आप डॉकर फाइल का नाम कुछ और भी दे सकते हो अगर आपका दिल करता है तो, बट देन यू हैव टू स्पेसिफाई द नेम एंड द लोकेशन। अदरवाइज आप डॉकर फाइल यूज करोगे ना, सिंपली जो वर्ड आपने डॉकर फाइल दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम एक डॉकर फाइल यूज करते हैं, हम सेम फाइल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मल्टीपल डॉकर फाइल्स हैं तो भी हम यूज कर सकते हैं विद डिफरेंट नेम्स। ठीक है, उनको भी हम डिफरेंट नेम के साथ यूज कर सकते हैं, बट तब आपको नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आ गया हूँ डॉकर फाइल के अंदर। अब यहाँ हमारा मेन टास्क आज का शुरू होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखने वाला हूँ फ्रॉम। फ्रॉम मतलब हम जो हमें एक बेस इमेज चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ सेंट ओएस ले लूंगा इमेज, और ये मैंने इमेज का डाल दिया वर्जन। ठीक है, यहाँ आने के बाद मैं डालूंगा मैं एक स्पेस लेके चलता हूँ ताकि आपको चीजें दिखती रहे, मेंटेनर। ठीक है, TAINER मेंटेनर क्या होता है, जो इसे मेंटेन कर रहा है। सपोज मैं इसका नाम लेता हूँ क्लाउड टेक बर्नर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये सपोज करो ओनर का नाम है या ओनर की फॉर्म है, जो भी है। ठीक है, हम यहाँ पे देंगे लेबल। लेबल में क्या होता है, बेसिकली डिस्क्रिप्शन होता है किसके बारे में, मतलब डिस्क्रिप्शन क्या, हम लोग यहाँ पे चीजों को स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इसका डिस्क्रिप्शन, क्या दे रहा हूँ कि दिस डॉक्टर फाइल, ठीक है, क्रिएट
डॉकर इमेज, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा लेबल, ठीक है, और यहाँ डाला मैंने ऑथर, तो यहाँ पे आप इसको ऑथर भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैं डाल दूंगा अपना नाम, सपोज मैं यहाँ लेता हूँ कि ऑथर कौन है, प्रशांत, ठीक है। और यहाँ मैं मेंशन कर दूंगा इसकी ईमेल आईडी, राइट। तो आप उसको भी मेंशन आउट कर सकते हो। अब ये चीजें हम लोग कॉल करेंगे, जैसे कि जब हम नीचे करेंगे ना, जब मैं बोलूंगा ना कि नीचे कोई चीज मैंने यूज करी कि भैया ऑथर का नाम उठा लाओ, तो मुझे स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा कि ऑथर का नाम प्रशांत है। मैं बोलूंगा ऑथर का नाम उठा लाओ तो वो यहाँ से उठा लेगा, मैं बोलूंगा डिस्क्रिप्शन उठा लो तो वो यहाँ से उठा लेगा, मैं बोलूंगा ईमेल उठा लो तो वो यहाँ से उठा लेगा, ठीक है। तो इन चीजों को हम यहाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं, राइट। और मैं सपोज करो ध्यान दे रहा हूँ cloud@gmail.com, सपोज मैंने यही दे दिया, नॉर्मल सी ईमेल टाइप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आती है बात आर्ग्यूमेंट्स की, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, हम इन्हें जो डिफाइन करते हैं की वैल्यू पेयर्स में, बेसिकली ये भी डिफाइन होता है। जैसे सपोज ये आर्ग्यूमेंट हो गया, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट क्या है कि अब मैं उस बंदे के बारे में डिटेल भरनी है हमें, ठीक है। सपोज करो मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ डेजिग्नेशन, ठीक है, डेजिग्नेशन, राइट, ठीक है। और मैं इसको दे दूंगा सीनियर डेवॉप्स इंजीनियर, ठीक है, ये दे दिया मैंने। अब यहाँ पे अगली हम की देंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी नेम, ठीक है। और वो नेम क्या है, मैं देखो यहाँ पे इसको नॉर्मली भी मेंशन कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ मेंशन कर दिया प्रशांत, राइट। और हम इसको इस तरीके पास कर सकते हैं। अगर मैं करता हूँ आर्ग्यूमेंट पासवर्ड, ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, पासवर्ड को मैं वहीं पर जब मैं बिल्ड करूंगा डॉकर फाइल मैं तब यूज कर लूंगा इसको, ठीक है। तो मैं यहां मेंशन कर दूंगा प्लीज स्पेसिफाई एट रन टाइम, मतलब जब भी कोई डॉकर फाइल देगा तो समझ जाएगा कि अगर वहां पे आर्ग्यूमेंट पास दिया हुआ है मैंने, मतलब ये मुझे रन टाइम के समय स्पेसिफाई करना है, ये मुझे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम कुछ एनवायरमेंट्स की बात कर लेते हैं, हमें कुछ एनवायरमेंट भी देने होंगे इसके बारे में, यानी कंपनी की डिटेल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ कर दूंगा कंपनी अंडरस्कोर नेम, और यहां मैं कंपनी का नाम दे दूंगा क्लाउड टेक बर्नर टेक्नोलॉजीज, कुछ भी लिख दो यार आप, ठीक है। आप मुझे डिटेल भरनी है बस, ठीक है। और मैं यहाँ दे दूंगा जैसे एनवायरमेंट में मैंने दिया कंपनी का टाइप, राइट, और ये दे मैंने आईटी, ठीक है, नॉर्मल दे मैंने आईटी, क्या टाइप है, आईटी टाइप है, ठीक है। अब मैं यहाँ दूंगा कंपनी का ईमेल, तो यहां मैं दे दूंगा सपोज करो क्लाउड टैग बर्नर एट द रेट क्लाउड डॉट इन, मतलब एक ईमेल आईडी देनी मुझे कंपनी की ईमेल आईडी, है ना। और यहां देना है इसका पासवर्ड, तो जो मैं ऊपर मैंने दिया है ना ये पास, जो मैं स्पेसिफाई करवाऊंगा आर्ग्यूमेंट उसको मैं यही कॉल कर लूंगा। तो कॉल कैसे करते हैं, हमने सीखा था सेल स्क्रिप्टिंग में, मैं यहां सिंपली कॉल करने के लिए यहाँ डॉलर का साइन लगा लिख दूंगा पास, तो जो यहाँ पे फिल होगा ना इसके लिए, जो मैंने इसके लिए स्पेसिफाई किया होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उठा लेगा, ठीक है। तो इन चीजों को हम ऐसे यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और मैं करता हूँ एनवायरमेंट दे देता हूँ सपोज कॉन्टेक्ट, ठीक है, कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे कॉन्टेक्ट, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा कॉल कर लूंगा, क्या कॉल करूंगा कंपनी का ईमेल आईडी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मैं यहाँ कंपनी अंडरस्कोर ईमेल, ठीक है। अब यहां मैं देखो कॉल कर लूंगा किसको, इसको, इसे कॉल करेंगे अपन, इसे कॉल करेंगे, है ना। तो कॉन्टेक्ट इज इक्वल टू कंपनी का ईमेल आईडी। तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पे हम जैसे चीजों को कॉल करना हमने सीखा था ना जब हमने सेल स्क्रिप्टिंग करी थी, तो वैसे आप इनको यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एनवायरमेंट की हमारी कमांड हो गई। अब मैं अगर आप कमांड हो रन, तो रन कमांड क्या करती है, कोई भी हम जो कमांड देंगे उसको एग्जीक्यूट करती है, राइट। तो रन कमांड से हम एग्जीक्यूशन देते हैं, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन क्या देने वाला हूँ मैं, रन कर दो इको कमांड, ठीक है। यानी मुझे सपोज करो मुझे ये प्रिंट करा के एंड कहीं सेव करना होगा वहां सेव भी कर लेंगे। तो मैं यहाँ सपोज करता हूँ डॉलर नेम हेलो, फिर नाम आ जाएगा, जो मैं नाम मैंने ऊपर मेंशन करूंगा वही नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो ये पूछता है आर यू अब यहाँ पे मैं पूछ लूंगा डेसिग्नेशन, ठीक है, डेसिग्नेशन मतलब यहाँ मैंने मैंने जो स्पेसिफाई कर रखा है ना, दिस इज आर यू अ सीनियर डेवॉप्स इंजीनियर, ऐसे करके पूछा गया, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है, डेजिग्नेशन में। तो आप लोग इसको इस तरीके से मेंशन कर सकते हो, डेजिग्नेशन मैंने कर दिया, एंड मैं यहाँ कर दूंगा माय कंपनी इज, ठीक है, एंड मैं यहाँ दे दूंगा कंपनी नेम, मैं यहाँ कर दूंगा कंपनी नेम। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये दिस इज क्लाउड टेक बर्नर टेक्नोलॉजीज यहाँ लिख करके आएगा, ठीक है, कंपनी नेम एंड इट इज, एंड यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ कंपनी अंडरस्कोर टाइप, मैं यहाँ पे डॉलर डाल के, अब देखो डॉलर डाला है मैंने इस तरीके से, है ना, यहाँ डाला मैंने डॉलर, ठीक
एंड हमने कॉल किया कंपनी टाइप को, तो ये कंपनी टाइप मेरा क्या है, आईटी, इट इज आईटी कंपनी, ऐसे लिख के आएगा ठीक है। और यहाँ कहता हूँ यू कैन कॉन्टेक्ट मी और कनेक्ट मी एट, और यहां पे मैं कॉल कर लूंगा कंपनी की ईमेल को ठीक है, कंपनी ईमेल, ये मैंने कॉल कर लिया। एंड मैं क्या करता हूँ इसको ना फुल करके इसको मैं डाल देता हूँ एक फाइल के अंदर ठीक है। कहाँ डालूंगा मैं इसको, टीएमपी के अंदर जाना, वहां पे फाइल बनाना आर्ग्यूमेंट्स वेरिएबल्स कॉलिंग डॉट टी एक्स, एक फाइल बना के वहां सेव कर दो ये सब चीजें ठीक है। तो ये इस कमांड का मतलब है रन करके, तो मैं रन करूंगा ठीक है आर यू एन, और मैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को रन करके कहां पे पुट ऑन कर दूंगा, टीएमपी के अंदर जाके के एक फाइल बनाऊंगा टी एक्स नाम की ठीक है। अभी यहाँ क्या पुट कर देगा, बेसिकली यहाँ पे जाके वो स्लैश डाल देगा ठीक है। और मैं फिर रन करने वाला हूँ, जब यहाँ हो जाएगा एक एम के डी आई आर ठीक है, डायरेक्टरी बनाना टेम्प के अंदर क्लाउड टेक नाम की ठीक है। आप इसे कमांड समझो कि कमांड्स कैसे रन होती हैं, यहाँ पे मैं कैसे लिख रहा हूँ ना, डॉकर फाइल वैसे ही लिखी जाती है ठीक है रियल टाइम में। देन हमें कॉपी करनी होगी, कॉपी करना है जो हमारा फाइल्स के अंदर हमारे जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, क्या पड़े हुए हैं, जो हमारी 10 फाइलें पड़ी हुई है ना, तो इस कमांड से क्या होगा, जो फाइल्स के अंदर हमारी 10 फाइलें पड़ी हैं 1.txt 2.txt से लेकर 10.txt तक, वो यहां से उठ के कहां कॉपी हो जाएंगी, स्लैश ओपीटी के अंदर कॉपी हो जाएंगी, कट नहीं होंगी ठीक है। देन मैं यहाँ यूज करूंगा एक वर्क डायरेक्टरी ठीक है। तो ये बेसिकली डब्ल्यू वर्क डायरेक्टरी क्या है, वर्क डायरेक्टरी इज नथिंग इज जस्ट लाइक सीडी कमांड, चेंज डायरेक्टरी वाली कमांड है ना। जब मैं वर्क डायरेक्टरी ओपीटी जब भी मेरा एग्जीक्यूट होता है तो यहां तक आएगा, ये कॉपी कर लेगा, जब कॉपी के बाद नीचे आएगा तो वो अपने आप को चेंज कर लेगा ओपीटी के अंदर, तो आ जाएगा ओपीटी के अंदर है ना, मतलब सीडी करके वो चेंज कर लिया उसने ओपीटी के अंदर राइट। यहां आने के बाद अब ये फिर रन करेगा पीडब्ल्यू डी ठीक है, और इसको अगेन सेव कर देगा ये पीडब्ल्यू डी डॉट टी एक्स टी के अंदर राइट। अब यहां से कुछ एड कमांड्स आते हैं हमारे जो कि हमें एड करनी होंगी राइट। तो ऐड करने के लिए मैं वापस से क्या करूंगा, मुझे टार डॉट का जो मेरा लिंक था, मैं यहां से कॉपी कर लेता हूँ, जो ये लिंक है मेरा ठीक है, इसको मुझे ऐड करना है ठीक है। कहां पे ऐड करना है, ओपीटी के अंदर, यहां आ गया मैं, इसको मैंने पेस्ट किया ठीक है ओके, इसको मैं स्लैश डाल के ओपीटी के अंदर डाल दूंगा ठीक है, यहां तक आ गया। एंड मैं अगला ऐड करूंगा अपाचे, ये फाइल नेम है ठीक है, ये मैंने किया पेस्ट, एंड इसको यहां से थोड़ा ऐड कर लेते हैं ठीक है। अब मैं इसे यहां से उठाऊंगा, इसको मैं डाल दूंगा ओपीटी के अंदर, इसको भी डाल दूंगा ठीक है। अगेन ऐड करेंगे अपन, और जो मैंने फाइल एक बनाई है ऐड फाइल डॉट टी एक्स नाम की मैंने फाइल बनाई है, इसको डाल देना टीएमपी के अंदर, मतलब आपको एक टास्क परफॉर्म कर सकते हो, मैं डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क है वो यहाँ पे आपको मेंशन करके दिखा रहा हूँ ठीक है। आप टाइम कर सकते हो माई फाइल्स के अंदर ठीक है, तो फाइल्स का जो फाइलें हमारे इसके अंदर पड़ी हुई है वो आपकी चल जाएंगी माई फाइल्स नाम के फोल्डर के अंदर ठीक है। यहां तक आप समझ गए, देन यहां करने के बाद हम वापस से काम करेंगे, अपनी वर्किंग डायरेक्टरी जो है उसको मैं चेंज कर दूंगा टीएमपी के अंदर ठीक है। एंड देन आप रन कमांड चलाना और एक बना देना वर्क डायरेक्टरी डॉट टीएक्सटी नाम की एक फाइल बना देना ठीक है। देन आप एक वॉल्यूम बना सकते हो डेटा नाम से, जिसमें आप चीजें स्टोर कर सकते हो ठीक है। देन लास्ट में आता है हमारा एंट्री पॉइंट राइट। तो एंट्री पॉइंट मैं यहाँ पे कुछ दो तीन तरीके से दिखाऊंगा आपको ठीक है। तो मैं पहले इको वाला लेता हूँ, एंड हेलो वर्ल्ड ठीक है, तो वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब एंट्री पॉइंट ना दो तरीके होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, तीन तरह के दिखाऊंगा ठीक है। एंट्री पॉइंट, और एक यहाँ पे चलेगा मेरा बैश वाला ठीक है, और एक एंट्री पॉइंट मेरा रहेगा जिसमें मैं मेंशन करता हूँ, इसको समझाऊंगा आपको लास्ट में ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने एंट्री पॉइंट तीन मेंशन किए हैं, इसको मैं दिखाऊंगा आपको लास्ट में ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एक के साथ चलूंगा, तो इन दोनों को मैं कमेंट आउट कर दूंगा, मैं यहाँ पे हैशटैग लगा दूंगा, तो ये कमेंट आउट हो गया ठीक, इनको वो रीड नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा वो ठीक है। तो यहां तक हो गया, एस्केप दबाऊंगा शिफ्ट कॉलन डब्ल्यू क्यू एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल के बाहर राइट। मैंने डॉकर फाइल क्रिएट कर ली है राइट, आपको देखनी है डॉकर फाइल, आप चेक कर सकते हो, आप करोगे कैट डॉकर फाइल एंड सीरीज, ये है डॉकर फाइल हमारी ठीक है, इतनी बड़ी डॉकर फाइल हमारी है ना, ये सारे आपके सामने टाइप करिए मैंने प्रॉपरली वे में। हाँ इसमें ये इतना ना गैप भी दिख रहा है, हम इसको हटा सकते हैं, इसको हटाने के लिए वापस हमें जाना होगा वेम सॉरी डॉकर फाइल के अंदर जा करके इंसर्ट प्रेस करेंगे एंड डिलीट 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 एंड डन ठीक है।
शिफ्ट कॉलन डब्ल्यू के और एस्टिमेट बना के बाहर, ठीक है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कंट्रोल एल से कैट डॉकर फाइल एंड सीरीज, ये मेरी डॉकर फाइल है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। अब इसे हम कैसे बिल्ड करेंगे इसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बिल्ड करने वाले हैं, पर उसके लिए आपको एक चीज बता दूं, जो मैंने कैट किया एंड यहां मैंने एंट्री पॉइंट ये वाला यूज किया है, तो इस एंट्री पॉइंट से क्या होगा ना, मेरी इमेज बिल्ड होगी, ठीक है, और जो मैंने टास्क यहां दिए ये सारे टास्क परफॉर्म होंगे, ठीक है। ये टास्क परफॉर्म होने के बाद ये इको डाल के ये टास्क परफॉर्म करेगा, हेलो वर्ड शो कर देना चाहिए इसको, एंड बाहर वापस एग्जिट हो जाएगा, मतलब हमारा जो कंटेनर है वो रनिंग कंडीशन में नहीं रहेगा, वो टास्क परफॉर्म करके चला जाएगा एग्जिट स्टेट पे, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता। तो बिल्ड करने के लिए हमें यूज करनी है सिंपल कमांड डॉकर बिल्ड हाइफन टी करेंगे हम, एंड यहां मैं डाल दूंगा हेलो वर्जन 1, ये मेरी इमेज का नाम होगा, ठीक है, और मैं यहाँ कमांड करूंगा बिल्ड, और आर्ग्यूमेंट हम कर देंगे जो हमें पास करना था, ठीक है, उसको मैं देता हूँ सीक्रेट। मैंने आपसे मेंशन किया था ना कि मुझे वहां पे आर्ग्यूमेंट बाद में पास करना होगा, तो मैंने यहाँ पे सीक्रेट डाल के और यहाँ पे डाल दिया स्पेस डाल के डॉट, डॉट का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जहां पे मैं हूँ वहीं पर ही, ठीक है। अगर आपने डॉकर फाइल कहीं और स्पेसिफाई कर रखी है तो आपको वो यहाँ पे डालना होगा उसका पाथ, ठीक है, एंड यहाँ पे अगेन फोल्डर का नाम, एंड सिंपली कर दोगे आप एंटर। जैसे आप करोगे एंटर, ये देखो ये बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही डॉकर फाइल, हमारी जो डॉकर फाइल है बिल्ड होगी, ये डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स पे काम करती जाएगी, ठीक है, इन लेयर्स के अंदर ये काम होगा, आपको लेयर्स की वजह से ये इसका साइज भी बड़ा देख सकता है। आपको यहाँ पे ऐसा भी मेंशन होगा कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है 4 out of 18, ठीक है, 5 out of 18, तो ये सारी कमांड्स रन कर रहा है एंड सीरीज, यहाँ आ गया ये 2 out of 13, ठीक है, तो 13 कमांड टोटल है, ये 3 out of 13, तो ये क्या कर रहा है, ये लेयर्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये टोटल 13 लेयर्स फॉर्म करेगा एंड सीरीज, 2, 3, 4, 5, ये सारी कमांड्स एग्जीक्यूट हो रही है, जैसे एग्जीक्यूट होती जाएंगी वैसे ये चीजें बनती जाएंगी, एंड इसने एक्सपोर्ट किया एंड सीरीज आ गया बाहर, ठीक है। इसने ये वर्जन भी बना दिया, इमेज भी क्रिएट कर दी, सारे काम इसने कर दिया, मेरे सारे कमांड्स ने रन कर दी, और ये 13 लेयर्स पे काम किया इसने, ठीक है, जिसकी वजह से ये काफी हैवी हो जाती है डॉकर फाइल, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपको दिखाऊं कि मेरा कंटेनर तो इसने बना दिया, तो मेरी इमेज आपको दिखनी चाहिए, है ना, मैं करता हूँ डॉकर इमेजेस एंड सीरीज, आप करते हो अगर, तो आपको मिलेगी यहाँ पे हेलो वर्जन 1 जो कि बनी है 22 सेकंड पहले, ठीक है, ये आपको दिख गई यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, उस डॉकर इमेज से जो मैंने आपको दिखाई, इससे मैं डॉकर कंटेनर रन करता हूँ, ठीक है, तो मैं करूंगा डॉकर कंटेनर रन हाइफन आईटीडी, ठीक है, और मैं करूंगा हेलो वर्जन 1, ठीक है, हेलो वर्जन 1, ये इमेज में यूज करके कंटेनर रन करूंगा, तो मैंने दिया कंटेनर रन, कंटेनर रन हो गया, मुझे कंटेनर आईडी भी दे दी इसने, एंड अगर मैं आपको दिखाऊं डॉकर कंटेनर ls एंड सीरीज, अभी ये रन नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसने एग्जीक्यूट कर दी है कमांड, डॉकर मेरा कंटेनर रन हुआ था, एग्जीक्यूट हुआ और वो चला गया एग्जिट स्टेट पे। अब अगर मुझे इसका एग्जिट स्टेट देखना है तो ls-a करूंगा, तो यहाँ पे हमें मिलना चाहिए हमारा कंटेनर, ठीक है, जो कि है दिस इज, तो इसने ये कमांड भी रन करी थी हेलो वर्ड, ठीक है, हमारी इमेज का नाम है हेलो वर्जन 1, 22 सेकंड पहले ये बना था, ठीक है, और ये हमारा एग्जिट स्टेट पे चला गया है, मतलब इसने अपना काम किया और ये एग्जिट स्टेट पे चला गया, ठीक है। अब मैं इसको लॉग्स भी चेक कर सकते हैं इसका, हम लोग लॉग चेक करने के लिए सिंपल सी कमांड हमारी होती है एंड दिस एंड सी दिस, जब मैंने किया डॉकर कंटेनर लॉग्स एंड ये डाला मैंने कंटेनर का नाम, तो इसने बोला कि एक टास्क परफॉर्म हुआ था जिसमें हेलो वर्ड लिख के आया था लास्ट में, ठीक है, तो यहां तक हमने लॉग हमने चेक कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम क्या करेंगे इस बार, विम डॉकर फाइल, और इधर ना मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ, इस बार जो हैश है वो इस पे लगा दूंगा कि हमें इस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करनी है फाइल, हमें बैश करना है। बैश क्यों करना है, बैश का मतलब है कि हम इसे लॉग इन करके वहीं रुके रहेंगे, है ना। एस्केप दबाऊंगा, शिफ्ट सेमी कॉलन डब्ल्यू क्यू, एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के आ जाऊंगा बाहर, ठीक है। अब जब मैं कमांड रन करूंगा, सेम कमांड रन करूंगा डॉकर बिल्ड वाली दिस इज, ठीक है, इस बार मुझे एक थोड़ा सा चेंज करना होगा, इस बार हेलो की जगह मैं लिखने वाला हूँ कस्टम वर्जन 1, ठीक है, और सारी चीजें सेम रहेंगी, इमेज का नाम चेंज हो जाएगा, बट इस बार देखना वो क्या करेगा ना दिस, अभी मैं फटाक से कर दिया, क्यों, क्योंकि उसने सारी चीजें ऑलरेडी कर रखी थी, उसने सारी चीजें कैश मेमोरीज उठा ली है, देखो सबके आगे लिख के आने लगा है कैश, पहले लिख के नहीं आ रहा था, मैंने पिछली बार रन किया था, तो आप यहाँ देखो 1/2, 2/3 लिख के आ रहा था ना, इसके आगे कैश लिखा है, नहीं लिखा है, बट इस बार क्या हो रहा है, कैश लिख करके आ रहा है, तो कैश लिखने का मतलब क्या है कि सारी एग्जीक्यूट उसने कमांड पहले कर रखी थी, उसने सेम वो कर दिया है, बस लास्ट कमांड चेंज कर दी। और अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमारा कंटेनर जो है वो रन कर रहा होगा क्या, तो ऑब्वियसली रन कर रहा होगा, पहले हम इमेज हमारी क्रिएट हुई है, इमेज को पहले बनाएंगे, देन हम कंटेनर रन करेंगे, एंड तब देखेंगे कंटेनर हमारा रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं दिखाऊं आपको डॉकर इमेजेस एंड सी दिस, ये बनी हमारी कस्टम वर्जन 1 इमेज बनी है, बट ये 3 मिनट आगो क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमारी जो इमेज बनी है ये कस्टम वाली,
वो एज इट इज बनी है ओवरलैप हो करके किसके साथ, हेलो वर्जन वन के साथ। तो ये बना था हमारा 3 मिनट अगो, तो उसने वही यूज किया है सेम चीज को, इसलिए ये भी 3 मिनट अगो दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसके हिसाब से बनाऊंगा मैं। ठीक है, ये मेरी इमेज बन गई, मैं बनाऊंगा डॉकर कंटेनर रन -ITD। ठीक है, और इमेज कौन सी यूज करेंगे हम, कस्टम वर्जन 1। ठीक है, एंड ये मेरा कंटेनर रन हो गया। अब मैं करता हूँ कंटेनर ls, आपको दिखेगा कि ये हमारा शो हो रहा है यहाँ पे, रनिंग में है। क्यों? क्योंकि इस बार ये बैश कमांड यूज कर रहा है। बैश का मतलब है ये टर्मिनल पे होल्ड रहेगा। ठीक है, इसको यहाँ पे हम होल्ड करके चेक कर सकते हैं चीजों को। अब इसमें हम कुछ और चीजें भी चेक कर सकते हैं, जैसे जैसे कि अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट टी कर दूं तो नया टर्मिनल हमारा ओपन हो गया। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर जाके आपको कुछ चीज दिखाता हूँ कि विम डॉकर फाइल डाला मैंने, तो ये डॉकर फाइल मेरे सामने आ गई। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन आउट कर देता हूँ। ठीक है, कि जो चीजें हमारी क्रिएट हुई हैं क्या वो एक्चुअली क्रिएट हुई हैं, जो इस डॉकर फाइल में लिखा है क्या वैसा हुआ है, तो उसे हम चेक कर लेंगे। उसके लिए क्या करूंगा ना मैं, हमें चलना होगा अपने कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो कंटेनर के अंदर अपन कैसे जाएंगे, मैं आपको दिखाऊं कंटेनर आईडी हमारी क्या है। ठीक है, मैंने किया कंटेनर ls, तो ये मेरा कंटेनर है। इसके अंदर जाने के लिए कमांड हमारी आप सबको पता है, डॉकर कंटेनर, ठीक है, exec -IT, यानी इंटरेक्टिव मोड पे अपन चलेंगे। ठीक है, और यहाँ डालना है मुझे इसका कंटेनर का आईडी, ये मैंने किया कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट वी से मैंने किया पेस्ट, और यहाँ कर दूंगा बैश। तो हम आ जाएंगे अपने फोल्डर के कंटेनर के अंदर। राइट, यहाँ आने के बाद अगर मैं टाइप करता हूँ env, ठीक है, जैसे मैंने किया env, आपको यहाँ मिल जाएंगे वो डिटेल्स जो हमने पुट ऑन करी थी। ठीक है, सबसे पहले हमने दिया था पासवर्ड, क्या दिया था, सीक्रेट। ठीक है, हमने दिया था कॉन्टेक्ट हमारा क्या है, cloudtechburner@cloud.in, तो वो हमें यहाँ मिल रहा है। ठीक है, हमारी जो फाइल थी हमें वहां मिल रहा है। कॉन्टेक्ट क्या है, हमने ईमेल, हमारा कॉन्टेक्ट क्या है, हमारी ईमेल, ईमेल हमारा क्या है, cloudtechburner@cloud.in, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ दिखाई देंगी। ठीक है, कंपनी का नेम हो गया, कंपनी की ईमेल आईडी हो गई। ठीक है, तो ये चीजें हमारी यहाँ पे हमें शो हो रही है। ठीक है, आप एक काम और कर सकते हो, आप ls करके यहाँ पे वो फाइल भी चेक कर सकते हो जो हमने क्रिएट करने को बोली थी। कौन सी वाली, arg.var.calling.txt। इस फाइल के अंदर हमें क्या मिलना था, इस फाइल के अंदर ये जो फाइल हमने क्रिएट की थी डॉकर फाइल के हिसाब से, इसके अंदर हमें ये कंटेंट लिखा हुआ मिलना था। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या उसके अंदर ऐसा कंटेंट कुछ लिखा हुआ है। मैं कंट्रोल एल से स्क्रीन क्लियर करूंगा एंड यहाँ डाल दूंगा दिस एंड कैट एंड सी दिस, हेलो आर यू अ सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर, माय नेम इज क्लाउड टेक बर्नर टेक्नोलॉजीज एंड इट इज आईटी कंपनी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी और कनेक्ट मी एट दिस। ठीक है, तो उसने वो चीजें खुद से कॉल कर ली है। मैंने यहाँ पे सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर मेंशन नहीं किया था, मैंने यहाँ क्या मेंशन किया था, डेजिग्नेशन। तो इसने कॉल कर लिया, उठा लिया वहां से। ठीक है, मैंने कंपनी नेम मेंशन नहीं किया था, उसने खुद से उठा लिया कंपनी नेम, क्लाउड टेक बर्नर टेक्नोलॉजीज, ऐसे करके। ठीक है, तो जो चीजें हमने वहां पे पुट ऑन करी है ना, वो आपको यहाँ सारी दिखेंगी। आप चेक कर सकते हो ls -lrth/opt/ करके आपको दिखा दूं, तो यहाँ पे आपको टॉमकैट भी दिखेगा, आपको pwd भी दिखेगा ओपीटी के अंदर, आपको वो 10 फाइलें भी दिखेंगी जो हमने वहां से कॉपी करी है। ठीक है, आपको वो सब यहाँ दिख सकता है। ठीक है, अब मैं करूंगा ऐसे एग्जिट, इसका मतलब ये कि मैंने जो डॉकर फाइल लिखी थी वो प्रॉपरली वे में एग्जीक्यूट हो गई है। ठीक है, जो चीज में जितनी चीजें लिखी थी वो सब हो गई है। पहले मैं आ जाऊंगा डॉकर फाइल्स के अंदर। ठीक है, और मैं यहाँ करता हूँ विम डॉकर फाइल। ठीक है, यहाँ आने के बाद मैं इसे करूंगा हैशटैग, सॉरी आई प्रेस करूंगा एंड इसे मैं कर दूंगा हैशटैग। ठीक है, इसे हम कर देंगे अनटैग। ठीक है, अनहैशटैग कर देंगे बेसिकली, जो भी कह लो। ठीक है, शिफ्ट कॉलन से मैंने किया, wq से आ जाऊंगा बाहर। ठीक है, एंड मैं यहाँ वापस से करने वाला हूँ बिल्ड कमांड रन। ठीक है, इस बार मैं थर्ड वाले के साथ चलूंगा जो हमारा एंट्री पॉइंट है। ठीक है, उसके लिए मुझे वापस से कमांड रन करनी होगी दिस वन, एंड यहाँ रखूंगा मैं version 2 एंड मैं कर दूंगा एंटर। वापस से चीजें वो एज इट इज उठा लेगा। ठीक है, और इस बार अगेन वो कैश के साथ यूज कर लेगा पुराना वाला, एंड इट्स डन, हो गया। यहाँ आने के बाद अब मैं चेक कर सकता हूँ, अगर मैं दिखाऊं डॉकर इमेजेस एंड सी दिस, हमें मिल जाएगा यहाँ पे कस्टम version 2। ठीक है, जो कि 11 मिनट पहले दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि वो सेम फाइल को यूज कर रहा था। तो तीनों फाइलें 11 मिनट पहले ही है। ठीक है, एंट्री पॉइंट हमारा डिफरेंट है, इस बार भी हम उसको होल्ड करके रखेंगे। किसको, जो हमारा कंटेनर है वो रनिंग में रहेगा, होल्ड पे रहेगा। कैसे, वो मैं दिखाता हूँ आपको। उससे पहले हम क्या करते हैं कि अपनी इमेज फटाक से बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है, इमेज मतलब मैंने बिल्ड कर ली है, आपको मैं दिखा दूँ डॉकर इमेजेस के थ्रू, तो आपको दिख गया। मैं यहाँ से कंटेनर रन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी हमारा कंटेनर रन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, पुराना वाला हो रहा है। कौन सा वाला, version 1 वाला, तो हमें version 2 वाला चाहिए। तो मैं कंटेनर के पास जाऊंगा, मतलब कमांड के थ्रू run -ITD। ठीक है, और यहाँ मैं रख दूंगा कस्टम version 2।
डन किया मैंने, हो गया। एलएस करूंगा एंड सीरीज। अभी हमारी दो कमांड्स रन हो रही है, ठीक है, एक मतलब वर्जन वन रन हो रहा है कंटेनर, एक हमारा कंटेनर वर्जन टू का रन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली ना, हमारे इसके तो हमारा इसलिए रन हो रहा है क्योंकि हमने बैश कमांड चला के साथ में इसके, ठीक है। बट ये कमांड हमारी क्या कहना चाह रही है, जो हमने कमांड इस पे लिखी थी एंट्री पॉइंट पे, ये कमांड क्या कहना चाह रही है, अगर मैं आपको सिंपली ये दिखाऊं, ये कमांड क्या कहती है, टेल हाइफन एफ स्लैश डेव स्लैश नर, ठीक है, इसे रन करूंगा तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा टर्मिनल। आपको वो ब्लिंक करता हुआ कर्सर दिखेगा, क्यों, क्योंकि वो आउटपुट जो आ रहा है ना, वो आउटपुट ना डस्टबिन में जा रहा है बेसिकली, बट वो आउटपुट आ रहा है, आ रहा है डस्टबिन जा रहा है, आ रहा है डस्टबिन में जा रहा है, ऐसे करके। तो ये स्लैश डेव स्लैश नल है, ये बेसिकली डस्टबिन का फोल्डर समझ लो इसको, कि उसमें जो भी डालो वो डस्टबिन में चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट कंटिन्यूसली आता रहेगा जब तक हम इसको बाहर नहीं आएंगे, कंट्रोल सी से आऊंगा बाहर, ठीक है। तो वो कंटिन्यूसली रन कर रहा है इस चीज को, तो इस वजह से हमारा कंटेनर जो है वो रन हो रहा है इस वक्त, वो भी कंटिन्यू रन कर रहा है, ठीक है। तो आप इसके अंदर जा सकते हो एंड एग्जीक्यूट करके इसे वापस बाहर आ सकते हो। अब मैं सिंपली टाइप करूं अगर डॉकर कंटेनर exec स्पेस हाइफन it, एंड अगेन हम दे देंगे दिस वन, सॉरी कंट्रोल सी से, कंट्रोल शिफ्ट सी से मैंने कॉपी किया, कंट्रोल शिफ्ट बी से मैंने पेस्ट किया, ठीक है। ओके, यहाँ पे डी आई थिंक मिसिंग हो गया है, ठीक है, एंड मैं यहाँ कर दूंगा बैश। जैसे करूंगा हम अगेन आ चुके हैं इस कंटेनर के अंदर, ठीक है। वापस आप यहाँ पे चीजें चला चला सकते हो, एलएस करोगे वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी एज इट इज वाली, ठीक है। मैं कर दूंगा एग्जिट यहाँ से और हम आ जाएंगे बाहर, ठीक है। यहाँ से भी कर दूंगा सीडी एंड वी आर टोटली आउटसाइड दी ऑल दी थिंग्स, ठीक। सो बेसिकली ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कवर की काफी सारी चीजें। डॉकर फाइल हमने समझी, रन कमांड क्या करती है, कमांड्स को रन करने काम आती है, ऐड कमांड हमारे चीजों को ऐड करती है, ठीक है, मतलब हमें कोई चीज करनी है तो कहाँ से कहाँ ऐड करनी है, मतलब कॉपी पेस्ट आप समझ लो। वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब था क्या था, सीडी यानी जो हम चेंज डायरेक्टरी करते हैं वो हम वहाँ वर्किंग डायरेक्टरी के नाम से यूज करते हैं, वर्क DIR के नाम से। रन कमांड हमारी रन करती है किन चीजों को, कोई कमांड हमने दिए तो वो उसे रन करने में काम आती है। वॉल्यूम हमने डेटा दिया था, वो डेटा के लिए हमने दिया था, उसको आप एज अ स्टोरेज यूज कर सकते हो, ठीक है। एंट्री पॉइंट हमारी क्या करती है, लास्ट में एग्जीक्यूट करती है, जिससे हमारा टर्मिनल डिपेंड करता है कि वो रन किस कंडीशन में करने वाला है, राइट। तो आई गेस ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम इसका सेकंड पार्ट भी बनाएंगे अभी, ठीक है, क्योंकि ये पूरा डॉकर फाइल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें कुछ कमांड्स अभी बची हुई हैं, ठीक है, उन्हें हम कल भी देखेंगे। एंड जो सबसे बेटर रहेगा ना, वो आपको रहेगा प्रोजेक्ट में, वहां सबसे आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ ये जाएगा, ठीक है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ कमांड्स दिखाई, उसके यूज केस दिखाए हैं, ठीक है। कल अपन इसका बेस्ट प्रैक्टिस करने वाले हैं, राइट। तो ठीक है गाइस, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली ध्यान रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।